वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चैनत अकेडमी। आज हम बात करेंगे वेदांगास के बारे में। वेदांगास होते क्या हैं और इनके मतलब कितने पार्ट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट दी वेदांगास। वेदांगास होते हैं लिंब टू दी वेदास। ये लिंब होते हैं मेनली, मतलब कैसे इट डील्स विद द लिटरेचर ग्रू अराउंड वेदास टू इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी वेदास, मीन्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वेदास, बिकॉज वेदास आर कंपोज इन संस्कृत। They are a highly pure language, means it is based on the certain rules and regulations. Now these are classified into six. Vedangas are classified into six. First Shiksha, then Kalp, then Vyakaran, then Nirukta, then Chand, then Jyotish. Shiksha ko phonetics bhi bolte hain aur Kalp ko rituals bolte hain, व्याकरण को ग्रामर बोलते हैं, निरुक्ता को एंटोमोलॉजी बोलते हैं, छंद को मेट्रिक्स बोलते हैं एंड ज्योतिष को ज्योतिषी बोलते हैं। देन शिक्षा जो होती है, शिक्षा इसलिए दी जाती है फॉर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वैदिक मंत्रास वाट एवर दे आर इन दी वैदिक लिटरेचर्स और इन ऑर्डर टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन टू लर्न द बेसिक्स टू प्रोनाउंस अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वैदिक मंत्रास। कल्प क्या होते हैं? कल्प होते हैं टू परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइसेस। वैदिक सेक्रीफाइसेस मेनली इट इज परफॉर्म बाई सेंट्स और दी ब्राह्मण्स, मीन्स दिस आर दी लैंग्वेज ऑफ दी ब्राह्मिकल ट्रेडिशंस। देन दी व्याकरण आती है, ग्रामर, मीन्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक फॉर्म टू दी संस्कृत लैंग्वेज। देन फोर्थ वन इज निरुक्ता। निरुक्ता मीन्स ग्रामर टू प्रोवाइड निरुक्ता और एंटोमोलॉजी, डेरिवेशन ऑफ न्यू वर्ड्स आउट ऑफ वर्ड्स रूट्स। देन छंद दैट इज मैट्रिक्स टू डेकोरेट द संस्कृत लैंग्वेज। देन लास्ट वन इज ज्योतिष। ज्योतिष मीन नॉलेज ऑफ फॉरकास्टिंग वेदर, means like today we have a barometer which predict atmospheric pressures, means whenever it falls or whenever it rise, it indicates something like weather condition, what is going to be happen next। thank you for that। milte hain next video mein।